हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द स्ट्रॉबेरी। आप लोगों ने डेफिनेटली स्ट्रॉबेरी खाई होगी, तो अगर आपने स्ट्रॉबेरी खाई है तो क्या आप लोगों ने ये गौर किया है, ये ध्यान दिया है कि जब आप लोग स्ट्रॉबेरी को खाते हैं, जब आप लोग स्ट्रॉबेरी को कंज्यूम करते हैं, तो जो उसके सीड्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नहीं किया ना गौर। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी एक सिंगल ऐसा फ्रूट है जिसके जो सीड्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो स्ट्रॉबेरी के सीड्स होते हैं वो उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी इज द सिंगल फ्रूट विच बियर इट्स सीड्स आउटसाइड इट्स बॉडी, ठीक है। आपने जब स्ट्रॉबेरी खाई होगी, या फिर अगर आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, जो स्ट्रॉबेरी है उसकी बॉडी के बाहर से सीड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रॉबेरी का कंजप्शन करेंगे या फिर स्ट्रॉबेरी को जब आप लोग खाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखना, मेरी वीडियो को देख के ये बात ध्यान में रखना कि स्ट्रॉबेरी में सीड्स बाहर से प्रेजेंट है, और देखना कि स्ट्रॉबेरी में रियली में सीड्स बाहर से प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर मैंने खाली ही बोल दिया है, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी में ऑन एन एवरेज 200 से 220 सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल स्ट्रॉबेरी में 200 से 220 सीड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ, कि स्ट्रॉबेरी एक सिंगल ऐसा फ्रूट है जिसके सीड्स उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितने भी फ्रूट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, उन सभी के सीड्स उस फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप मैंगो ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ग्रेप्स ले लीजिए, पोमीग्रेनेट ले लीजिए, जितने फ्रूट्स आपको लेने हैं ले लीजिए, उन सभी के जो फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट स्ट्रॉबेरी एक सिंगल ऐसा फ्रूट है अभी तक जिसके जो सीड्स होते हैं वो उसकी बॉडी के बाहर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, और ऑन एन एवरेज 200 से 220 सीड्स स्ट्रॉबेरी में प्रेजेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए नीचे, और आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उस पर वीडियो बनाने का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, मैं अपने चैनल पे वीडियोस लाते रहती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी, जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही है बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। सो जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हैं, चाहे वो बॉटनी से हो, चाहे वो जूलॉजी से हो, चाहे वो कोई भी लाइफ साइंस से रिलेटेड हो, बायोसाइंसेस से रिलेटेड हो, उन सभी से रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं वीडियोज बनाती हूँ। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के 12th क्लास के, नीट की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंसेस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, और आप लोगों को डेफिनेटली इस मेरी वीडियो से फायदा होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।